इफाइल मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने मिफाइल बनाई थी। तो इसी तरह से आर्मी में रहते हुए सर ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था इसमें न्यूक्लियर फैक्टर पे, जिसमें से हमने जो अदर तरह की गैसेज ली हैं जो हार्मफुल होती हैं और ट्रीज एंड प्लांट्स को जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड तो ले। नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है, और यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको मिले जो क्लाइमेट चेंज में कम करने में मदद करे तो वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा हमारे लिए, हम सब के लिए और पूरे प्लानेट के लिए। तो हमारे साथ है अभी अभिषेक कुमार जी जो बंकर मैन से हैं। तो इनका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही क्लाइमेट चेंज में पॉजिटिव योगदान दे रहा है या क्लाइमेट चेंज होने से बचा। मैं ठीक हूँ, और ये हमारा प्रोजेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिमूवल सिस्टम, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में TVOC को भी रिमूव करते हैं। TVOC में 30 टाइप्स की गैसेज होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी डेंजर होती हैं, और ये हम जब इंस्टॉल करते हैं किसी भी एरिया में, अगर आप अपने घर पर इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल या स्कूल्स में कहीं पर भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये एरिया क्लोज्ड होना चाहिए। और वहाँ पर जैसे ये सबसे पहले इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं आपके इन्वायरमेंट को, ऑक्सीजन लेवल को, प्रेशर लेवल को, इसकी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड TVOC को। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 800 PPM से ज़्यादा होता है, जो कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेंजर होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो जैसे ही ये 800 के ज़्यादा होगा हमारा फ़िल्टर ऑन हो जाता है। फ़िल्टर के अंदर जो टेक्नोलॉजी फ़िल्टर है आपका, इसके अंदर फ़िल्टर यूज होता है, तो वो हमारी खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कुछ हमारा कैपेसिटिव मटेरियल होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और TVOC को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। फ़िल्टर की कुछ कैपेसिटी होती है, जब वो फ़िल्टर इसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो जब हम फिल्टर को रिप्लेस करते हैं तो जो वेस्ट फिल्टर होता है उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनाने का आइडिया कैसे आया, थोड़ा सा मतलब बैकएंड से बताएंगे तो बेसिकली प्रोडक्ट कैसे आया है और किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो बेसिकली ये सर इसमें बहुत दिनों से काम कर रहे थे आर्मी के अंदर, सर साइंटिस्ट लेवल पर थे जहाँ पर बहुत पहले से इसमें काम कर रहे थे, मगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इस वजह से अब इसको कमर्शियली लॉन्च किया गया है, क्योंकि अभी तक तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में यूज हो रहा था, मगर आम जनता के लिए भी अब लाने के लिए इस वजह से इसको लाया गया ताकि इस चीज़ का बेनिफिट आम जनता भी ले सके, तो इस वजह से इसको पब्लिकली लाया गया, कमर्शियली लॉन्च किया गया। कमर्शियली लाया गया, और साथ ही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि APJ अब्दुल कलाम के साथ आपके सर का फ़ोटो है, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा जर्नी बताएं। वो बेसिकली जैसे APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने मिसाइल बनाई थी, तो इसी तरह से आर्मी में रहते हुए सर ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था इसमें न्यूक्लियर फैक्टर पे, जिसमें वो रिसर्च पेपर सिलेक्ट होने के बाद सर के द्वारा बंकर बनाए गए थे सबसे पहले इंडिया में, तो इस वजह से सर को जो टाइटल मिला है वो बंकर मैन का टाइटल मिला हुआ। तो सर पहले आर्मी में सर्व कर चुके हैं? हाँ, सर आर्मी में सर्व कर चुके हैं। आपके श्रीपाल हैं? अच्छा, श्रीपाल। हाँ, और यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ, जैसे ये साइकिल आपने बनाया हुआ है, वो किस तरह का साइकिल है? तो थोड़ा सा बेसिकली एनवायरनमेंट में ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं जहाँ से हम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल, और ह्यूमन पेट्स एंड एनिमल सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पर हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं मगर ह्यूमन बॉडी आर जनरेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड TVOC एंड अदर पॉल्यूटेंट गैसेज। बिल्कुल। तो जब हम लोग ये गैसेज जनरेट कर रहे हैं तो हमारा फिल्टर बंकर मैन फिल्टर के नाम पे, ये फ़िल्टर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड TVOC और अदर हार्मफुल गैसेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद इस फिल्टर से हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर को फिर से हम ट्रीज एंड प्लांट्स में दे रहे हैं। तो हमने एनवायरनमेंट से ही चीज़ों को लिया और एनवायरनमेंट के अंदर ही दिया, तो ये पूरा एक रिसाइकल, हाँ, तो ये पूरा सस्टेनेबल इको सिस्टम हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा दिखाएं जो आपका एंड प्रोडक्ट है जो आप डालते हैं अपने, ये हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो आप इसको ट्रीज एंड प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं। हाँ, ट्रीज और प्लांट्स पे यूज कर सकते हैं, और ये इस फिल्टर के थ्रू इस फिल्टर के थ्रू एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए गए एनवायरनमेंट से, हमने जो अदर तरह की गैसेज ली है जो हार्मफुल होती हैं, और ट्रीज एंड प्लांट्स को जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ही रहे हैं एनवायरनमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसके ऑर्गेनिक मैन्योर के थ्रू फिर से प्लांट को दे रहे हैं। ओके,
तो आपका प्रोडक्ट कोई लेना चाहे तो किस तरह से ले सकता है? अगर हमारा प्रोडक्ट कोई लेना चाह रहा है तो bunkermanindia.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के अभी प्री बुकिंग स्टार्ट है तो प्री बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर ऑर्गेनिक मेनोर लेना चाह रहे हैं तो उसकी लॉन्चिंग हो चुकी है और वो हमारा वेबसाइट में अवेलेबल है, वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोडक्ट मतलब एक छोटे से हाउस के लिए कोई ले तो उसका क्या खर्चा आएगा? तो ये जो छोटे हाउस के लिए है तो ये 72,000 रुपीज का है, 72,000 का, और ये कस्टमाइजेबल है अकॉर्डिंग टू द एरिया कि आप कितने बड़े एरिया के लिए लगवा रहे हैं और कितने बड़े साइज में लगवा रहे हैं। एक फिल्टर है और इसको क्या बोलते हैं? ये पूरी सेटअप यूनिट है, इसी के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सारा कुछ, इसके अंदर ये एक अलग यूनिट है, ये सारा चीज़ है। ये एक अदर यूनिट है जो इस तरह से ऐड होती है जिसमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड एयर और फिल्टर ब्लोअर सारी चीज़ें इसके थ्रू ऐड होंगे। ये सेंट्रल यूनिट है, तो ये कस्टमाइज होती है एरिया के अकॉर्डिंग कितने बड़े एरिया में आप लगवा रहे हैं। अभी प्री बुकिंग पे चल रही है, हाँ। तो अभी आपके वेबसाइट पे जाके बुकिंग कोई भी कर सकता है, हाँ, अभी। तो ये आप इंडस्ट्री और घर के लिए दोनों के लिए बनाए? हाँ, इंडस्ट्री, घर, हॉस्पिटल, आप कहीं पर यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस प्रोडक्ट के थ्रू पर्यावरण में काफ़ी अच्छा योगदान करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो को देखते रहने के लिए, और ख़ास करके ये प्रोडक्ट बंकरमैन का जो है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।